नमस्कार प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक गणों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भारत इन्फोटेक में, जहां से आपको मिलती है हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और अतिथि शिक्षक संबंधी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर हेडिंग में देख चुके होंगे, मैं जिस विषय में बात करने वाला हूं वो है संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर जो है कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, जो कि आपको पता है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में है और खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है, भोपाल में अभी प्रस्तावित चल रहा है। तो इसी के चलते जबलपुर के हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, याचिकाकर्ताओं को एक याचिका जारी की गई थी उनके संबंध में जो थे नियमितीकरण के संबंध में, तो हाईकोर्ट ने जो है आदेश जारी कर दिया है। भोपाल समाचार की बड़ी खबर है, आप यहां देख पाओगे भोपाल समाचार से निकल के आ रही है, यहां मैं आपको तिथि दिखा देता हूं। तो ये तिथि लिखी हुई है 12 मार्च 2019। क्या खबर है, पूरी इस खबर जो है वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और ये समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो जानेगा इसमें आपको भी संबंधित जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रमेश राठौर ने बताया कि मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के द्वारा जो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को झटका देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए वहां पर संविदा पर खड़े कार्य कर चुके और एक स्टेनोग्राफर चंद्र प्रकाश तिवारी जी को नियमित करने के निर्देश दिए गए थे। आगे, चंद्र प्रकाश तिवारी विद्युत नियामक आयोग में स्टेनोग्राफर सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 2 अगस्त 1999 से कार्यरत थे। 2015 में नियमितीकरण के लिए गठित कमेटी ने 10 अन्य संविदा कर्मचारियों को तो नियमित कर दिया, लेकिन चंद्र प्रकाश तिवारी के द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हुए एक सेवा से हटा दिया गया कि आपकी संविदा अवधि समाप्त हो गई है। नियमितीकरण के लिए वंचित योग्यता 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट हैंड उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रमाणित संस्था से नहीं है, ये भी उनके लिए एक रीजन बताया गया। चंद्र प्रकाश तिवारी जी द्वारा समस्त वांछित योग्यता होने के बावजूद विद्युत नियामक आयोग भोपाल द्वारा चंद्र प्रकाश तिवारी जी के तिवारी से बाद में आए हुए कर्मचारियों को नियमित किए जाने और योग्यता होने के बावजूद चंद्र प्रकाश जी को नियमित नहीं किए जाने के कारण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका 24 जून 2016 को दायर की गई थी। मैं दायर की गई लगातार 3 वर्ष की सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा विगत माह यह निर्णय पारित किया गया कि विद्युत नियामक आयोग के द्वारा 10 वर्ष से अधिक कार्य संविदा पर कार्य करने वाले याचिकाकर्ता चंद्र प्रकाश तिवारी पास नियमितीकरण के पर्याप्त योग्यता होने के बाद भी उसके कनिष्ठ 10 कर्मचारियों को नियमित कर दिया, जो कि चंद्र प्रकाश तिवारी जी के साथ न्याय नहीं है। आगे, अतः याचिका के विश्लेषण और तर्कों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजाय पाल द्वारा विद्युत नियामक आयोग को यह निर्देश जारी किए गए कि याचिकाकर्ता के नियमितीकरण संबंधी दावे पर जिस प्रकार उनके कनिष्ठ कर्मचारी श्री आर पी सिन्हा और श्रीमती दिव्या अभिलाष को नियमित किया गया है, उसी प्रकार से उसके समकक्ष स्थिति मानते हुए समुचित आदेश पारित करेगा। यदि याचिकाकर्ता का नियमितीकरण किया जाता है तो उसे उसी अवधि या उसी तिथि से नियमित किया जाए जिस तिथि से अन्य कर्मचारियों को नियमित किया गया है, अतः तथा उसका काल्पनिक वेतन निर्धारित करते हुए उक्त तिथि से वेतन का लाभ दिया जाए और उससे कनिष्ठ आज वेतन आहरण कर रहे हैं उसका वेतन याचिकाकर्ता चंद्र प्रकाश को जो है प्रदान किया जाए। आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है। माननीय न्यायाधीश महादेव ने यह भी निर्देश दिए कि विद्युत नियामक आयोग प्रकरण का निराकरण भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के प्रवाहित समानता के सिद्धांत की कसौटी पर विचार करते हुए करेंगे, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग के ने याचिकाकर्ता के से कनिष्ठ संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिए जाने और मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि इस आधार पर प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है लास्ट का, जो बहुत ही ज्यादा शुभचिंतक है आपके लिए। देखिए, जब सरकार आदेश नहीं दे सकती तो हमारे कर्मचारी हैं जो अतिथि शिक्षक गण 10 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं, और हालांकि अभी तो नियमितीकरण किसी का नहीं हुआ है, लेकिन जब नियमितीकरण किया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अतिथि शिक्षक जो प्राण दे हैं पूरी शिक्षा के लिए और लगातार काम कर रहे हैं 10 वर्षों से, अपनी सेवाओं को पूर्णतः ईमानदारी से दे रहे हैं, तो कहीं उनके साथ ऐसा ना हो कि अनइंसाफी हो जाए और कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है। तो जो है कोर्ट को आदेश दिया गया है कि जो संविदा कर्मचारी हैं जिसमें अतिथि शिक्षक भी आते हैं, सभी के नियमितीकरण के लिए ऐसे ही फैसले लिए जाएं जल्द से जल्द, ऐसा कहना है संविदा कर्मचारियों का। जैसा कि चंद्र प्रकाश तिवारी जी के जो विद्युत नियामक में काम कर रहे थे लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं किया गया और 99 की उनकी पोस्टिंग थी और उनके पहले वाले जो शिक्षक जो कार्य संबंधी कर्मचारी थे उनको नियमित कर दिया था। तो देखिए, अब अतिथि शिक्षक के संबंध में जो भी इन्होंने आदेश दिया, कहा है कि हाईकोर्ट से भी आदेश आएगा जो भी आएगा, और जल्द से जल्द इसके संबंध में जो है किया जाए। दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, और आएंगे भी इसी प्रकार की खबर जानने
जानकारी के लिए नीचे देगा रेड कलर के बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको इसी प्रकार की जानकारियां लाते रहे। आपका क्या विचार है, ये जो आदेश हुआ है क्या शिक्षक भर्ती के लिए भी जो आपका अतिथि शिक्षक नियमितकरण के लिए हाईकोर्ट कुछ कर पाएगी, क्योंकि जो है इस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ ही बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी से जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।